चाइना के पेट पे लात मारी गई है। चाइना का पतन शुरू हो चुका है। भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पावर ने एक बार फिर से चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है और इस बार खबर आई है अमेरिका से। सो इंडियन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जहां भारत में बनाए गए स्मार्टफोन काफी पसंद किए जा रहे हैं और यही वजह है कि भारत में बनाए गए स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। चाइना की इकोनॉमी क्या क्रैश करने वाली है, क्या इज इट द एंड ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? जबकि चीन में बनाए गए स्मार्टफोन के निर्यात में कमी आ रही है, बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर सेमीकंडक्टर की, भारत ने चीन के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने की जो योजनाएं बनाई है अब वो अपना असर भी दिखाने लगी है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई। 1500 बंदों को तालिबान ने अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो कि चाइना से टैंक इंपोर्ट करता है, तब वो फेलियर हो जाता है। अरे आपको इंपोर्ट वो करना चाहिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। एवरग्रांडे अप्रोक्सीमेट 76 बिलियन डॉलर के कर्ज में और डूबने की कागार पे। ये बदला दोस्तों बड़ा चढ़ा के लेंगे और दुनिया को इसे सीखना चाहिए, सीखना होगा। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल। जी रोहित जी, आप सही एस्टिमेट किया है, ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। भारत से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में 255% का उछाल आया। इसी दौरान चीन और वियतनाम से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में बड़ी गिरावट देखी गई। चीन का निर्यात 8%, वहीं वियतनाम से अमेरिका को होने वाला स्मार्टफोन निर्यात 42% कम हुआ। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम है, स्पाइंग करता है और उसको वेपनाइज करता है। मान लीजिए कि आपका मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका ब्लड डिटेल्स हो या आपका हेल्थ इश्यूज हो, इनके डिटेल्स उनके पास जब पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, या आपके मतलब आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में शंक मतलब कोई क्वेश्चन बिठा देगा कि आपके जो सरकार है वो निकम्मा है, और या आप पीड़ित हो, एक बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स कॉल्ड सटल कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे से एक डाउट पैदा आपके दिमाग में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वल्नरेबिलिटी उनको पता है, उनको इस्तेमाल करके वेपनाइज करता है, चाहे वो वोटिंग इश्यूज में हो, आपके हेल्थ इश्यूज में हो, आपके इकोनॉमिक इश्यूज में हो, आपके चॉइसेस में हो, बहुत से एरियाज में वो वेपनाइज करता है। तो और गुंडागर्दी भी करता है, वो तो हम जानते हैं फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका में तो ये जो ब्लैक लाइव मैटर्स हो, एंटीफा हो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चाइना का मदद है, उनका कहीं ना कहीं फंडिंग है या उनका कुछ ना कुछ है। और उनके यूनिवर्सिटीज में भी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, वो दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम स्टोरी। वही गलती जो पाकिस्तान हमेशा कर बैठता है, पहले वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है या सरेंडर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है, और उनके कहने का जो है मतलब यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। लेकिन जब से एयर स्ट्राइक हुई है, तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरिन लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, पिछले एक महीने से जितनी भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई है, जहां पे देख ले
आप जाकर देख लें कि सब में मैंने एक बात बोली थी कि वार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की होगी, लेकिन पेल करेगा उसका पाकिस्तान और उसका एंड करेगा अफगानिस्तान। मैंने ये बात आपको कुछ इस महीने में हर वीक में मैंने एक एक वीडियो बनाई है और मैंने यही बोला था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अपनी तरफ से न्यूज बनाता है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमला करके अपने लिए अपना जनाजा और अपना कफन जो है वो तैयार कर लिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को दोस्तों, और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे, लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पर एक क्लैश हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उसे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है, उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है, लेकिन कल रात को रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, यह पाकिस्तान के खत्म होने के लिए या पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपनी जमीन छीनने के लिए ये बहुत है भाई, अब ये बहुत है। इसके बाद अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और यह बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है ये काबुल पे लटकाएंगे हम, आप कुछ दिन सब्र करें, इस आसिम मुनीर का जो पेंट है इसकी पेंट लाकर हम काबुल में लटकाएंगे और ये जितने भी कर्नल और जनरल बैठे हुए हैं इन सब की पेंटें हम उतारेंगे, इन सब की पेंटें हम इस बार अफगानिस्तान उतारेगा। दोस्तों जब से ये एयर स्ट्राइक हुआ है अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है, बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है। और अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान के पास एक ऐसी फोर्स है जिसे खुदकश कहा जाता है, जो अपने ऊपर भान के फट जाते हैं, उनको अलर्ट कर दिया है।